हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग पाइथन के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैंने 10 क्वेश्चंस निकाल रखे हैं जो सबके लिए हैं। आप लोग हर कोई इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ले सकते हो, बना सकते हो। अभी मैं इस क्वेश्चंस को बना के भी दिखाऊंगा, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके दिखाऊंगा, कैसे अटेम्प्ट लेंगे वो भी सारी चीजें बात करेंगे। तो ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा चलते अपने वीएस कोड पे और कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोगों का क्वेश्चन है वो है, राइट अ प्रोग्राम टू नो वेदर अ गिवन नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। क्वेश्चन में सिंपल सी चीज पूछी गई है कि किसी एक नंबर को आपको डिटेक्ट करना है, पता करना है कि वो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है या तो जीरो है। तो ऑब्वियसली बात है, कोई बहुत बड़ी क्वेश्चंस नहीं है, इजी वे में हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। अब पहले मैं क्या करता हूँ, फाइल बना लेता हूँ, 1.py मैंने किया। ऑब्वियसली बात है, किसी एक नंबर को अगर टेस्ट करना है कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है या जीरो है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर को प्रिंट करवाते हैं, इट मीन्स दैट नंबर को इनपुट करवाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, नाम से एक वेरिएबल मैंने बना लिया और यहाँ पर इंटीजर में मैं क्या करता हूँ, नंबर को, ऑब्वियस ही बात है कोई भी नंबर होगी तो वो इंटीजर होगी या फिर फ्लोट होगी, कुछ भी होगी। तो मैं क्या करता हूँ, इंटीजर में नंबर को इनपुट करवा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इनपुट करवा लिया मैंने और यहाँ पे लिखता हूँ एंटर द नंबर, ठीक है, एंटर द नंबर, जस्ट वेट, एंटर द नंबर। मैंने क्या किया, एक नंबर एंटर करवा लिया, ठीक है, ऑलराइट। तो अब देखो कंडीशन क्या है कि नंबर तो इनपुट हो गई है, लेकिन अब हमें चेक करना है क्या वो पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो इट मींस दैट यहाँ पे सेंस ये बन रहा है कि वो जीरो से बड़ा है, और नेगेटिव है तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि वो जीरो से छोटा है, और अगर नंबर जीरो है तो वो जीरो के बराबर है, इट मींस दैट कि वो जीरो के इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इफ और एल्स, जो इफ एलिफ और इफ एल्स होती है, हम लोग उसे यूज करेंगे। तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे मैं इफ कंडीशन लगाऊंगा, मैं यहाँ पे लगाता हूँ इफ, और यहाँ पे मैं करता हूँ इफ, अगर नम ग्रेटर देन जीरो हो गई, अगर नंबर ग्रेटर देन जीरो हो गई तो प्रिंट कर दो पॉजिटिव, ठीक है, प्रिंट करो पॉजिटिव, ओके पॉजिटिव, या फिर एक काम कर लेते हैं, इट इज पॉजिटिव करवा लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, इट इज पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो नंबर तो पॉजिटिव तब प्रिंट होगी जब वो जीरो से बड़ा है। अब हमें तो कंडीशन ये भी है कि नेगेटिव भी प्रिंट कराओ, तो नेगेटिव प्रिंट करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलिफ यूज करते हैं, एलिफ यूज करेंगे और यहाँ पे सेकंड कंडीशन लगाएंगे कि अगर नंबर लेस देन जीरो हो गई तो भैया प्रिंट कर दो इट इज नेगेटिव, इट इज नेगेटिव, इट इज नेगेटिव, दैट्स इट, हो गया, इट इज नेगेटिव। जस्ट वेट, कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है टाइप करने में, तो इस पे ध्यान नहीं देना है। तो देखो नंबर जीरो से बड़ी हुई तो पॉजिटिव प्रिंट हो गई, नंबर अगर जीरो से लेस है तो नेगेटिव प्रिंट हो गई, और अगर यहां पे कर दूंगा एल्स, एल्स मैं कर दूंगा, जस्ट वेट, मैं यहां पे करूंगा एल्स, प्रिंट कर दो इट इज इक्वल, इट इज इक्वल टू जीरो, प्रिंट इट इज इक्वल टू जीरो, इक्वल टू, जस्ट वेट, इट इज इक्वल टू जीरो, दैट्स इट, हो गई। प्रोग्राम को सेव करते हैं एंड करते हैं रन। जैसे ही रन किया प्रोग्राम एंड जस्ट वेट 1 मिनट, एंड मैं इसे क्या करता हूँ, ऊपर थोड़ा कर लेता हूँ, नंबर प्रिंट करते हैं, नंबर डालते हैं, जैसे कि मैंने 5 डाला तो शो कर रहा है इट इज पॉजिटिव। मैं क्या करता हूँ, प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ और यहाँ पे मैं डालता हूँ -3, तो -3 डाला इट इज नेगेटिव। मैं फिर से रन करता हूँ और यहाँ पे मैं डालता हूँ 0, मैंने 0 डाला एंड इट इज इक्वल टू 0, दैट्स इट। कितना सिंपल था ये, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई कि हाँ ये प्रोग्राम बन गया एकदम क्या हो गया। बहुत सारे को ऐसा लगता है कि प्रोग्राम बन गया क्या हो गया, अरे बहुत नॉर्मल सी चीज है, थोड़ा सा प्रैक्टिस और मेहनत दोनों अगर लग गया तब तो फिर ऑब्वियस सी बात है हर प्रोग्राम बनेगा। चलते अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, ओके। अपना सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले ऑड नंबर इन बिटवीन 100 एंड 200, 100 और 200 के बीच में आपको ऑड नंबर प्रिंट कराना है। चलो ठीक है, हम प्रिंट करवा लेंगे, लेकिन कंडीशन है कि भैया आपको व्हाइल लूप से ही प्रिंट कराना है। कई लोगों ने तो दिमाग लगा लिया होगा, फॉर लूप में रेंज लगाएंगे बस खेल खत्म, ऐसा नहीं है सर, आपको तो व्हाइल लूप से काम करना है। तो चलो व्हाइल लूप के हेल्प से बनाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेकंड फाइल बना लेता हूँ, second.py मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग ये देखें, यहाँ पर एक कंडीशन है, 100 से स्टार्ट हो रही है, 100 है और 200 इस दोनों के बीच में है,
इट मीन्स दैट हम लोग एक नंबर असाइन कर लेंगे आई, इसमें क्या करेंगे 100 डाल देते हैं, ठीक है 100 डालेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग एक वाइल लूप चलाएंगे, वाइल लूप को बोलेंगे भैया तुम तब तक चलोगे जब तक आई की वैल्यू 200 से कम या उसके इक्विवेलेंट ना हो या फिर उसके बराबर जब तक ना हो तब तक आप चलोगे, तब तक आप चलते रहोगे। तो बोलेगा ठीक है भैया हम 100 को चेक करेंगे, 101 को चेक करेंगे, 102 को चेक करेंगे, ठीक है ये चेक तो करेगा। अब देखो जब यहाँ पे वाइल में 100 आई, अगर जब यहाँ पे 100 है तो सबसे पहले ये चेक होगी कि क्या 100 से लेस देन इक्वल टू है, तो ऑब्वियस ही बात है। तो यहाँ पे अभी एट प्रेजेंट टाइम वाइल में आई की वैल्यू कितनी है 100। इट मींस दैट कि हमें 100 को चेक करना पड़ेगा क्या वो 2 से डिवाइड हो रही है या नहीं। अगर वो 2 से डिवाइड हो गई इट मीन्स दैट कि वो इवन नंबर है, वो ऑड नंबर नहीं है, हमें वो नहीं चाहिए। हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जो 2 से डिविजिबल ना हो, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ। अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे if i modulo 2 is not equal to 0 होनी चाहिए। इट मींस दैट कि जो 2 से डिविजिबल हो गई वो एक इवन नंबर है, जो 2 से डिविजिबल नहीं हुई वो तो एक ऑड नंबर है। तो हमें तो वही चाहिए जो 2 से डिविजिबल ना हो, तो हम तो यहाँ पे यही कंडीशन लगा रहे हैं ना कि भैया तुम उसको चेक करो, जो भी आई की वैल्यू है वो 2 से डिविजिबल नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स दैट कि उसकी डिविजिबिलिटी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो बोलेगा ठीक है भैया हम तो चेक कर लेंगे। तो हम बोलेंगे ठीक है जब आई में कोई ऐसी वैल्यू आ गई जो 2 से डिविजिबल नहीं है, ऑब्वियस ही बात है उसको प्रिंट कर दो, उसे प्रिंट कर दो। और जब वो उसे प्रिंट कर देगा हम बोलेंगे भैया आई की वैल्यू भी इंक्रीमेंट कर दो। आई की वैल्यू ऑब्वियस ही बात है ना आपको इंक्रीमेंट तो करना पड़ेगा, तभी ना यहाँ पे 100 के बाद 101 देन 102 देन 103 होगी। अब हम करते हैं इस प्रोग्राम को सेव एंड करते हैं रन एंड सी हियर जस्ट वेट 101 103 105 107 109 111 113 एंड सो ऑन आपको 199 तक आपको इवन नंबर 199 100 और 200 के बीच में जितनी भी इवन ऑड नंबर थी सॉरी जो भी ऑड नंबर थी वो चीजें आपको प्रिंट हो गई यहाँ पे मिल गई है। ये चीजें समझ में आ रही है ना, बहुत ही क्लियर है। अगर नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट करो, या नहीं तो एक काम कर सकते हो मैं इंस्टाग्राम पर 24 hours आप लोगों को एक्टिव ही दिख जाऊंगा, इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो। ये नहीं बोल रहा हूँ कि फॉलो करना एकदम जरूरी है, फॉलो ही कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है। आपके डाउट सॉल्व होने चाहिए, ये सबसे ज्यादा मेरे लिए पहला प्रायोरिटी है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, फॉलो करने की कोई जरूरत है नहीं। अगर आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, कोई प्रेशर नहीं है कि हाँ यार चलो यार जाओ फॉलो करो, ऐसा कुछ नहीं है। आप मैसेज करोगे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको आपको जो भी एरर आ रहा है वो चीजें सॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई। अब चलते हैं तीसरे प्रोग्राम की तरफ। हमारा तीसरा प्रोग्राम क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले इवन नंबर इन बिटवीन एक्स एंड वाई यूजिंग फॉर लूप। ये तो काफी ज्यादा सिंपल है। देखो फॉर लूप की हेल्प से आपको क्या करना है, एक्स कोई एक नंबर है और वाई कोई एक नंबर है जो कि आपको पता नहीं है, ये हम लोग यूजर से इनपुट करवाएंगे और उस दोनों के बीच में जो भी इवन नंबर होगी उसे हम लोगों को क्या करना है, प्रिंट कराना है। तो चलते हैं प्रोग्राम्स की तरफ और यहाँ पे करते हैं 3.py कर दिया एंड एक 1 minute जस्ट मैं इसे क्लियर कर दूं। ओके नाउ इट इज क्लियर। हम लोग क्या करते हैं सबसे पहला नंबर हम लोग प्रिंट करवाते हैं एक्स में, इंटीजर में हम लोग क्या करते हैं इनपुट करवा लेते हैं और यहाँ पे करवा लेते हैं एंटर स्टार्टिंग पॉइंट, एंटर स्टार्टिंग नंबर कर लेते हैं, ठीक है यहाँ पे करवा लेते हैं सॉरी एंटर द स्टार्टिंग नंबर। ओके एंटर द स्टार्टिंग नंबर, ठीक है चलो यहाँ तक तो बहुत काफी चीज सही रही। अब हम लोग क्या करते हैं एक वाई भी बनाते हैं जहां से जहां तक चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, या ये तो हम लोगों ने वो पुट करवाया कि भैया हमको 2 से चाहिए, तो अब कहां तक चाहिए, अब हम लोग वो वेरिएबल बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग सबसे पहले एक वाई नाम की एक वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। ऑब्वियस ही बात है लिखना थोड़ा सा ज्यादा बोरिंग लगता है मुझे, इसलिए मैं इसे क्या करता हूँ यहाँ पे कर देते हैं स्टॉपिंग नंबर, एंटर द स्टॉपिंग नंबर, ठीक है। एक्स हमने इनपुट करवा लिया, हमने वाई इनपुट करवा लिया, अब क्या करना है, अब हम लोग फॉर लूप लगाएंगे, फॉर आई इन रेंज
अब कहां से कहां तक चाहिए, तो x और y चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे यहां पे कर देंगे x जो कि पहली नंबर होगी, और y देखो अब यहां पे मैं जो करूंगा वो अगर किसी को समझ में ना आए तो अच्छे से समझने की ये कोशिश करना कि मैं y में +1 क्यों किया हूं। देखो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसे तो फॉर लूप इंक्लूड कर देगा, लेकिन जो लास्ट वाली पॉइंट होती है ना, जो लास्ट में जो आप नंबर डालोगे, अगर आप बोलोगे कि 2 से लेके 6 के बीच में जो भी इवन नंबर है वो मुझे प्रिंट करके चाहिए, तो 2 प्रिंट होगा, 4 भी प्रिंट होगा, लेकिन 6 प्रिंट नहीं होगा। हमें 6 प्रिंट करवाने के लिए हमें एक स्टेप आगे तक चलना पड़ेगा, इट मीन दैट हमें 7 तक लेके चलना पड़ेगा, तब हमें 6 मिलेगा। तो समझ रहे हो, जो भी चीजें आपको चाहिए जहां तक चाहिए उसमें आपको एक +1 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। वो क्या करता है, लास्ट वाले को एक्सक्लूड कर देता है। तो हमने क्या किया, अब यहां पर तो हम लोगों ने लूप लगा दिया है कि फॉर में आप क्या करो, फॉर आई इन रेंज एक्स से लेके और वाई में जो भी वेरिएबल डाला गया उससे एक स्टेप आप आगे ले लो, और उसके बीच में जो भी इवन नंबर है वो मुझे प्रिंट करके चाहिए। तो जो सबसे पहला आई का वेरिएबल आएगा हम लोग उसे चेक करेंगे, चेक करेंगे इफ आई मॉडुलो 2, अगर आई की मॉडुलो 2 हो गई, अगर आई की मॉडुलो 2 हो गई 0 से, तो ऑब्वियस सी बात है आप प्रिंट कर दो आई को, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है आप प्रिंट कर दो आई को। इस प्रोग्राम को करते हैं सेव एंड रन करके देखते हैं। मैं क्या करता हूं यहां पे प्रिंट करता हूं 5, 5 से लेके मुझे चाहिए आई थिंक 20 तक चाहिए। तो देखो 20 तक मुझे प्रिंट होके मिल गई है, 5 से लेके 20 के बीच में जितने सारे इवन नंबर है वो मुझे प्रिंट होके मिल गई है, ठीक है। अब बात करोगे यहां पर तो ऑलरेडी आपने ऑड नंबर ले रखा है, तो एक काम करते हैं उसे इवन नंबर करते हैं, ठीक है, उसे इवन नंबर करते हैं। तो यहां पर मैं करता हूं, इस बार करते हैं 6 से लेके, मैं क्या करता हूं 19 तक करता हूं, ठीक है। तो इस बार मुझे 6 भी मिला और 18 तक चल रही है लूप। लेकिन अगर आपका डाउट यहां पे ये क्लियर नहीं हुई कि वाई में +1 क्यों करना है, तो मैं काम करता हूं यहां पे +1 को अगर हटा के अब प्रोग्राम को सेव करके अगर अब रन करूं तो देखो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है। अगर मैं यहां पे 5 से लेके 20 तक अगर प्रिंट करूंगा तो देखो क्या रीजन होगा, 20 भी तो एक इवन नंबर है, तो आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा 20 प्रिंट होके मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आप देखो ये सिर्फ आपको 18 तक देगा, ये 20 प्रिंट नहीं करेगा, ये उसे छोड़ देगा, उसे एक्सक्लूड करके चलता है। इसीलिए आपको यहाँ पे क्या करना होता है, +1 करना होता है ताकि वो एक स्टेप आगे तक चले। ये भी प्रोग्राम, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी, ये प्रोग्राम। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले ऑल द नंबर्स फ्रॉम 0 to 1 इन रिवर्स ऑर्डर। ये काफी ज्यादा सिंपल है, काफी ज्यादा सिंपल है। एक काम करता हूँ, सिंपल सी चीज है, एक मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 4th.py मैं बना देता हूँ, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे फॉर आई करता हूँ, ठीक है, अगर मैं करता हूँ फॉर आई इन रेंज, ठीक है, फॉर आई इन रेंज 1 से लेके मैं करता हूँ 10 तक प्रिंट करा दो, ठीक है, और प्रिंट आई करा लो, प्रिंट मैंने करा लिया आई को, सेव करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलेगा, लेट्स सी। 1 2 3 4 5 6 से लेके 9 तक मिल रही है, ऑब्वियस सी बात है 10 नहीं मिलेगी क्योंकि 10 एक्सक्लूडेड होगी, क्योंकि हमने तो 10 तक लिया, 11 तो लिया नहीं है जो 10 प्रिंट होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक स्टेप आगे बढ़ रहा है, एक स्टेप आगे चल रहा है। तो क्यों ना मैं इसे कुछ इस तरह करूं कि आप 10 से 1 तक आओ, ठीक है, 10 से 1 तक आओ, लेकिन आप क्या करो -1 को फॉलो करो, आपको +1 नहीं करना, आपको -1 फॉलो करना है। इट मीन्स दैट पहले 10 प्रिंट होगा, हमने क्या किया 1 तक लगा दिया, लेकिन ये 1 तक जाएगा नहीं, अभी देखना कहां तक चलेगा ये, ठीक है, प्रिंट होगा तब देखना। तो देखो ये क्या करेगा, फिर -1 करेगा, तो 10 के बाद -1 करेगा -9, -9 में -1 करेगा, सॉरी -9 में नहीं, 10 में -1 करेगा तो 9 होगा, 9 में -1 करेगा 8 होगा, 8 में -1 करेगा 7 होगा। तो इस प्रोग्राम को सेव करके रन करते हैं तो देखो आपको एक मस्त सा रिजल्ट मिल रहा है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2, 1 क्यों नहीं मिल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है मैंने आपको ये बताया कि ये उस वाले को एक्सक्लूड कर देता है, जैसे ये 2 पे आएगा ये वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, ये 1 को नहीं लेगा। हम लोगों को 1 प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा। अब ये 10 से लेके 1 तक सब कुछ आपको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करके देगा, लेट्स सी नाउ, सी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1,
यहाँ तक ये प्रोग्राम काफी ज्यादा सिंपल था, काफी ज्यादा सिंपल। ये आई थिंक आप लोग खुद से भी कर लेते अगर मैं नहीं बताता तो, लेकिन प्रोग्राम में था इसलिए मैंने बताया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले ऑल द नंबर ऑफ लिस्ट एंड ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ दैट लिस्ट। ये प्रोग्राम थोड़ा सा ज्यादा मजेदार है। देखो इस प्रोग्राम में क्या क्या बोला जा रहा है, एक लिस्ट है, उस लिस्ट में जितने सारे नंबर हैं वो तो प्रिंट करा के दे ही दो। मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 5.5 में कर लेता हूँ। पहले प्रोग्राम समझते क्या क्या बोल रहा है। अगर मैं LST करूँ, यहाँ पे एक नया लिस्ट बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ 2, 5, 6, 7, 8, 9, ओके डन, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से प्रिंट होनी चाहिए। मैं क्या करता हूँ, प्रिंट अगर लिस्ट कराता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मुझे लिस्ट प्रिंट होके मिल जाएगी। लेट सी, मैं अगर आपको दिखाऊं तो ऑब्वियस सी बात है मुझे लिस्ट प्रिंट होके मिल रही है, ठीक है। यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा है, हम लोगों ने लिस्ट प्रिंट करवा लिया है। हमें क्या करना है, ये लिस्ट एक एक करके निकालनी है बाहर, और हमें क्या करना है उसे प्रिंट करना है, और इन सारे का सम भी प्रिंट करना है। इन सारे का सम भी प्रिंट होना चाहिए और इन सारे का एक एक वैल्यू भी प्रिंट होना चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक लूप लगाएंगे फॉर आई इन LST, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग प्रिंट करवा देंगे आई को। अगर अब सेव करते हैं, ऊपर वाले को मैं क्या करता हूँ कमेंट कर देता हूँ, एंड सेव करते हैं, अब रन करते हैं। देखो यहां तक तो सब कुछ सही है, हम लोगों ने 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हम लोगों ने प्रिंट करा लिया, ठीक है, ये सही है। लेकिन अब हमें इसका सम भी चाहिए, अब हमें इसका सम चाहिए, समझ रहे हो। अब इसका सम निकालने के लिए देखो हम लोग क्या करेंगे, देखो बहुत सिंपल सा उपाय, बहुत सिंपल है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं आई नाम से, और इसमें क्या करते हैं 0 असाइन कर देते हैं, ठीक है। अब जब आई इसमें आई होगी, जब लिस्ट, जब फॉर लूप चला होगा तो लिस्ट में जाएगा और वो क्या करेगा, 2 को बाहर निकालेगा, 2 को बाहर निकालेगा तो 2 प्रिंट हो जाएगा। उसी वक्त एट अ टाइम हम लोग क्या करेंगे, उसी वक्त हम लोग बोलेंगे कि आई का जो वैल्यू 2 है वो, सॉरी लिस्ट की जो वैल्यू 2 है, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को आई में ये प्रॉब्लम आ रही होगी, ये आई और वो आई क्या है, इससे बेहतर मैं यहाँ पे जे कर देता हूँ, ठीक है, अब सही है। अब जब यहाँ पे फॉर की लूप चलेगी लिस्ट वाले फंक्शन में, तो लिस्ट में क्या करेगी, जब आई जाएगी इसमें तो आई की वैल्यू पहले 2 हो जाएगी, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब आई की वैल्यू 2 होगी तो हम लोग बोलेंगे जे में क्या करो, असाइन हो जाओ, जे के साथ एड हो जाओ, तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 0 में जैसे ही 2 एड होगा तो वो हो जाएगा 2, और फिर क्या होगी, जब फिर से फॉर लूप चलेगी तो वहां पे आई की वैल्यू हो जाएगी 4। फिर हम बोलेंगे कि तुम क्या करो, 4 तुम क्या करो, जे के पास जाके ऐड हो जाओ, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6, क्योंकि जे की ऑलरेडी वैल्यू क्या हो चुकी है, जे की पहली वैल्यू क्या हो चुकी थी, 2 हो चुकी थी। लेकिन अब जब ये सेकेंड टाइम चलेगी तो वहां पे आई की वैल्यू तो 4 है, तो 4 क्या होगी, 2 के साथ एड अप हो जाएगी, जैसे ही एड अप होगी उसकी वैल्यू हो जाएगी 6। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, एक 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 करके हम लोग इसको इसको स्किप सॉरी एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और एक एक को एड करते चलेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे में यहां पे ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जे इक्वल टू जे प्लस आई कर देंगे, दैट्स इट। जे इक्वल टू जे प्लस आई जैसे ही करेंगे तो जे की तो वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी, और तब तक होगी जब तक ये लिस्ट खत्म नहीं हो जाता है। हम लोग क्या करेंगे, अब नीचे में यहां पे प्रिंट करवा लेते हैं, हम लोग यहां पे प्रिंट करवाते हैं सम, टोटल सम करवा लेते हैं, टोटल टोटल सम ऑफ द लिस्ट LST इज, अब क्या करते हैं हम लोग प्रिंट करा लेंगे जे को, तो ऑब्वियस सी बात है अब इसको सेव करते हैं, अब करते हैं इसको रन, ठीक है। नाउ सी द रिजल्ट, अब देखो इसकी वैल्यू आपको 41 मिल रही है, अगर आप इन सबको एड अप करो तो आपको 41 मिल जाएगा। तो प्रोग्राम काफी ज्यादा सिंपल था, थोड़ा सा टेक्निकल था। अगर समझ में नहीं आया तो मैं ये बोलूंगा कि वीडियो को आप लोग एक बार पीछे जाके रिवाइंड करके देखो, ये प्रोग्राम बहुत ही मजेदार है, अच्छे से समझो। हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, लिस्ट को प्रिंट करा लिया, उसके बाद क्या किया, एक वेरिएबल बना लिया जिसमें क्या किया, 0 को असाइन कर दिया हम लोगों ने। 0 में क्या किया, इस वाले वैल्यू को एड अप करते रहे एक एक करके, पहले 2 ऐड हो गया, फिर 4 ऐड हुआ, फिर 5 ऐड हुआ, फिर 6 ऐड हो गया, देन 7, देन 8, देन 9, इस तरह से आप ऐड कर सकते हो इसे।
अगर समझ नहीं आया तो मैं यही बोलूंगा कि आप वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो है पैलिंड्रोम के लिए। राइट अ प्रोग्राम टू चेक द गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो चलो यार पैलिंड्रोम पहले समझते हैं क्या होती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक नया बना लेते हैं 6.py। देखो पैलिंड्रोम क्या होती है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अमन, ठीक है, और इसे अगर आप लोग रिवर्स करने की कोशिश करो तो ये क्या बनेगा, एन ए एम ए, यही बनेगी। और एक वर्ड है दैट इज एम ए डी ए एम, ठीक है, ये एक वर्ड। अगर आप इसे रिवर्स करो तो भी ये यही चीजें बनेगी, तो भी मैडम ही शो करेगी। तो ये पैलिंड्रोम है, इट इज पैलिंड्रोम, ठीक है, इट इज पैलिंड्रोम, ये पैलिंड्रोम है। मैडम जो है, ये जो वर्ड है, ये जो स्ट्रिंग है, ये पैलिंड्रोम है, लेकिन ये जो ऊपर वाला जो अमन लिखा हुआ, ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो ये चेक करे कि कोई भी एक चीज पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग को यूजर से इनपुट करवाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एंटर द नेम करवाएंगे, एंटर द नेम। ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों ने नेम एंटर करवा लिया है यूजर से। अब क्या करते हैं, इसे चेक करते हैं। लेकिन इसे चेक कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले तो स्ट्रिंग को रिवर्स करना पड़ेगा। तो हम लोग रिवर्स में क्या किए थे, हम लोग अपने वीडियो में, अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखो पाइथन की सेशन जो मैंने डाली है, उसमें मैंने बताया स्लाइसिंग के बारे में, कि जब आप, मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूं और यहां पे करता हूं, जैसे कि मैं करता हूं अमन, अगर मैं यहां पे लिखता हूं, ठीक है, और अगर मैं यहां पे करता हूं प्रिंट, अगर ए को मैं कुछ इस तरह से स्लाइसिंग करूं माइनस वन से, तो देखो ये अमन जो है ये रिवर्स हो जाएगी, ये उल्टा हो जाएगा। सॉरी, ये ऊपर वाला भी एग्जीक्यूट हो रहा है, मैं उसे एक मिनट के लिए कमेंट लाइन कमेंट कर दिया मैंने, जस्ट वेट। देखो अगर मैं इसे प्रोग्राम को रन करूं तो ये रिवर्स हो गई है, ठीक है। तो ये वाली को जब इसे मैंने रिवर्स यहां पे कर दिया है, तो उसी तरह तो मैं क्या कर सकता हूं, सिंपल सी चीज है, मैं इस वाले वेरिएबल को, ये जो एसटी है जो मैंने बनाया, जिसमें स्ट्रिंग को मैं इनपुट करवा रहा हूं, उसे रिवर्स कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पे मैं करूंगा उसे रिवर्स, और इसे क्या करूंगा, एक नए वेरिएबल में स्टोर करूंगा। मैं पूरा कोड ही फिर से लिखता हूं, और इसे मैं एक नए वेरिएबल में स्टोर करूंगा, दैट इज आर ई वी, जिसे मैं रिवर्स समझूंगा, और इसे क्या करूंगा, स्टोर कर लूंगा, इसके रिवर्स को स्टोर करूंगा, ठीक है। तो ये हो चुका है रिवर्स, और ये क्या हो चुका है, रिवर्स में जाके स्टोर हो चुका है। ये जो स्ट्रिंग यहाँ पे इनपुट की गई है, ये रिवर्स हो गई है, और ये क्या हुआ, आर ई वी नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग मैच करेंगे, इफ आर ई वी, अगर आर ई वी अगर एस टी के इक्वल है, एस टी के जैसा है, एकदम हूबहू वही चीजें हैं, तो प्रिंट कर दो इट इज पैलिंड्रोम, ठीक है, इट इज पैलिंड्रोम, दैट्स इट। अगर नहीं है, एल्स कंडीशन में अगर नहीं है, तो प्रिंट कर दो नो, तो प्रिंट करो नो, दैट्स इट, नो इट इज नॉट पैलिंड्रोम, दैट्स इट। प्रोग्राम को सेव करते हैं, प्रोग्राम को करते हैं रन। रन करने के बाद ये मुझसे पूछ रहा है, जैसे कि मैं डालता हूं अमन, ये बता रहा है नो इट इज नॉट पैलिंड्रोम। लेकिन अब मैं फिर से इस प्रोग्राम को रन करूं, और अब मैं यहां पे डालता हूं मैडम, ठीक है, मैं डालता हूं मैडम, अब मैं करूं तो ये शो कर रहा है यस इट इज पैलिंड्रोम। तो आप लोग समझ चुके हो कि इस प्रोग्राम को कैसे बनाना, काफी सिंपल सा प्रोग्राम था, ज्यादा कुछ भारी था नहीं। लेकिन अगर समझ में नहीं आई है तो फिर वीडियो को बैक करके अच्छे से समझो, समझ आ जाएगा। थोड़ी शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बट हाँ सब बाद में फिर सब कुछ इजी वे में चलने लगती है, ठीक है। मेहनत और कोशिश करनी पड़ेगी तभी कुछ होगी, है ना। फाइनली बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रोग्राम्स की तरफ, देखते हैं अपना अगला प्रोग्राम्स क्या है। तो सिंपल सा बात है, एक बोला जा रहा है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ अ गिवन नंबर। इसका मतलब यूजर जो भी नंबर इनपुट करेगा उसका आपको मल्टीप्लीकेशन टेबल आपको शो करना है। तो काफी सिंपल सा प्रोग्राम है, तो चलते हैं इस प्रोग्राम को अटेम्प्ट लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक नया फाइल बनाते हैं, 7.py मैंने कर दिया, ठीक है। सबसे पहला बात तो है नंबर इनपुट करवाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, n इक्वल टू, मैं कर लेता हूँ इंटीजर,
ऑब्वियस बात है इंटीजर ही आपको इनपुट करवाना भी चाहिए, क्योंकि बिना इंटीजर के ऑब्वियस बात है मैथमेटिकल कैलकुलेशन होना नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे करते हैं एंटर द नंबर, एंटर द नंबर मैंने कर दिया, ठीक है, एंटर द नंबर मैंने किया। तो अब देखो नंबर एंटर करवा देने के बाद क्या कंडीशन है, अगर मैं टू की टेबल्स की बात करूं तो टू में एक चीज कॉमन है, अगर टू की टेबल्स की बात की जाएगी, टू की टेबल्स अगर आपको प्रिंट करवाने तो उसमें टू कॉमन है, टू हर जगह आएगा, लेकिन इंक्रीज क्या हो रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये इंक्रीज हो रही है, और जो 2 1 से मल्टीप्लाई होगी उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, 2 2 से मल्टीप्लाई होगी उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, फिर 2 3 से मल्टीप्लाई होगी उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम लोगों को यहाँ पे लूप की जरूरत पड़ रही है कि 1 भी प्रिंट हो ऑटोमेटिक, 2 भी आए, 3 भी आए, 4 भी आए, 5 भी आए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप को हम लोग यूज करेंगे अभी। तो यहाँ पर हम करते हैं फॉर आई इन रेंज लगा देते हैं 1 से लेके 11 तक, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, 11 नहीं आएगी, ये 10 तक चलेगा। तो यहाँ पे क्या कर ले, लगा देते हैं कोलन। अब यहाँ पे हम लोग करवा लेंगे प्रिंट। अब अगर हम लोग प्रिंट करवाते हैं, किसकी वैल्यू हम लोग प्रिंट करवाएंगे, ऑब्वियस सी बात है हम लोग टेबल्स प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपल सा बात है, यहाँ पे मैं करता हूँ जस्ट वेट, मैं एप स्ट्रिंग यूज करूंगा और यहाँ पे क्या करूंगा, एन तो हमारी फिक्स है, हमारी एन फिक्स है, हमने क्या किया एन को इनपुट करवा लिया। अब मल्टीप्लीकेशन की भी साइन फिक्स ही होगी, तो हम लोगों ने क्या किया मल्टीप्लीकेशन को फिक्स कर लिया। अब वैल्यू किसकी बढ़ेगी, आई की वैल्यू बढ़ेगी, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आई की वैल्यू इंक्रीज करवा लेंगे, आई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। जब अभी अगर यूजर ने इनपुट किया 2 तो n में 2 आ जाएगा, और i की वैल्यू 1 होगी तो 1 आएगी, फिर 2 की 2 होगी तो 2 होगी, 3 होगी i की वैल्यू तो 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या करते हैं इक्वल टू कर देते हैं, जस्ट वेट मैंने कर दिया इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या करना है, n और i की जो वैल्यू है वो आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाए। तो यहाँ पे हम सिंपल सा बात है क्या कर लेंगे, n into i, सिंपल सी चीज हो गई हमारी प्रोग्राम खत्म। एंड लेट्स चेक, एंटर द नंबर मैंने, मैं क्या करता हूँ 5 की मल्टीप्लीकेशन, मैं थोड़ा बड़े मल्टीप्लीकेशन छोटे मल्टीप्लीकेशन को करवाता हूँ, 2 की करवाता हूँ। देखो 2 1 2, 2 2 4, 2 से लेके 10 तक प्रिंट हो गई, 2 से लेके आपको मल्टीप्लीकेशन टेबल मिल रही है। अगर मैं किसी और की अगर प्रिंट कराऊं, जैसे अब यहाँ पर से तो आपके आपके ही बल्ले बल्ले है, 26 की अगर प्रिंट कराना चाहो तो 26 की प्रिंट करा सकते हो। देखो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या हो रही है, n की वैल्यू जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी असाइंड हो चुकी है, कि n की वैल्यू तो फिक्स है कि 26 है, तो वो 26 ही रहेगी। वैल्यू किसकी इंक्रीज हो रही है, आई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, आई पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, 3 होगी, और जो 1 2 3 है वही तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होके आपको यहाँ पे उसकी रिजल्ट मिल रही है, जो मल्टीप्लाई हो रही है वही तो आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल रही है। दैट्स इट, हो गई खेल खत्म अपने लोगों के लिए, बात खत्म। इसके अलावा और कुछ था, कुछ नहीं था इसमें, 3 लाइन का कोड है और रिजल्ट देखो कितना मस्त आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट अ प्रोग्राम टू स्क्वायर ऑफ द नंबर फ्रॉम, प्रिंट द स्क्वायर ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 10। मैं चाहता हूं इस प्रोग्राम को आप लोग खुद अटेम्प्ट लो, ऐसा जरूरी नहीं कि हर प्रोग्राम आप लोगों को बना के दिखाया जाए, कुछ प्रोग्राम आप लोग बनाओ और कमेंट करो, बनाओ और कमेंट करो, मैं तो ये बोलूंगा बना के दो कमेंट करो, मैं चेक करूंगा और वहां पे मैं कमेंट भी करूंगा क्या वो प्रोग्राम सही है या फिर गलत है, कहाँ पे एरर है वो भी चीजें बता दूंगा कमेंट में। आप कमेंट करो, उस प्रोग्राम को बनाओ और कमेंट करो, ठीक है। अब देखो अगला प्रोग्राम जो अपने लोगों का, ये क्या बोल रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द सेपरेट लिस्ट ऑफ ऑड एंड इवन। ऑब्वियस ही बात है एक लिस्ट मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, मैं क्या करता हूँ एक 8.py मैंने कर दिया और यहाँ पे एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, lst मैं करता हूँ lst, और यहाँ पे क्या करता हूँ एक मिक्स लिस्ट है, ठीक है, एक मिक्स्ड लिस्ट बनाई हुई है। तो जो भी चीजें है यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बड़ी नंबर हम लोगों ने ले लिए, ठीक है, थोड़ा कम ही ले तो ज्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये भी कुछ ज्यादा ही बड़ी नंबर हो गई है। अगर यहाँ पे देखो क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे मिक्स्ड नंबर है कि कोई इवन है कोई ऑड है, आपको क्या बोला जा रहा है इसमें से फिल्टर करो, ऑड नंबर की लिस्ट अलग बना दो, इवन नंबर की लिस्ट अलग बना दो। हम लोग क्या करेंगे, हमें अब दो लिस्ट की जरूरत पड़ रही है, एक ऑड की लिस्ट हमें चाहिए, एक इवन की लिस्ट हमें चाहिए। तो क्या करेंगे, हम एक ऑड की लिस्ट बना देते हैं, ऑड lst कर देते हैं, ठीक है, और इसे क्या कर देते हैं एम्प्टी रखते हैं, ठीक है, एम्प्टी रखेंगे।
एक इवेंट की लिस्ट बना देते हैं और इसे भी हम लोग क्या करते हैं, एम्प्टी रखते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम लोगों का काम अब यहां से शुरू होता है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक लूप लगाएंगे फॉर आई, क्योंकि हम लोग एक एक को चेक करेंगे ना, क्या टू इवेंट है या नहीं, हम लोगों को तो चेक करना पड़ेगा ना। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लूप लगाते हैं, फॉर आई इन एल एस टी कर देते हैं। ठीक है, अब क्या बोलेंगे, अब चेक करेंगे इफ, अगर आई, इफ आई मॉडुलो टू जीरो से हो, आई मॉडुलो टू जीरो हो जाती है तो आप, अब देखो यहां पे तो ये एम्प्टी लिस्ट है, हमें क्या करना है, इसमें नंबर असाइन करना है। तो लिस्ट में एक फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, दैट इज अपेंड। अपेंड फंक्शन का काम क्या होता है, वो किसी भी एक चीजों को ऐड कर देता है अपने लिस्ट में। तो हम लोग भी यहाँ पे वही चीजें करेंगे, यहाँ पे बोलेंगे अगर टू मॉडुलो हो जाती है, आई टू मॉडुलो हो जाएगी तो क्या करो, आई को अपेंड कर दो, सॉरी अपेंड करो, किसमें अपेंड करो, इवन नंबर की है तो हमें इवन की लिस्ट में अपेंड करनी है, इवन लिस्ट डॉट अपेंड, अपेंड कर दो, किसको अपेंड कर दो, आई को अपेंड कर दो। यहां तक तो ये चीजें समझ में आ गई, अगर टू मॉडुलो हो जाते हैं तो इवन लिस्ट में अपेंड करो, एल्स, अब हम लोग करेंगे एल्स, एल्स पार्ट में हम लोग देखते हैं, एल्स पार्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, अगर वो वैसा नहीं हुआ देन आपको क्या करना है, प्रिंट नहीं करना है, मुझे मुझे करना है ऑड में जाके अपेंड करो, ऑड लिस्ट डॉट अपेंड, और किसको अपेंड कर दो, आई को अपेंड कर दो। हमारा प्रोग्राम बन के खत्म हो चुका है, अब हम लोग करवा लेते हैं सीधा प्रिंट। अब प्रिंट करवा लेते हैं, ऑड ऑड एल एस टी को प्रिंट करवाते हैं, फिर इवन एल एस टी को प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट इवन, इवन लिस्ट, इवन लिस्ट को प्रिंट करवाएंगे एंड सेव करते हैं, रन करते हैं। आई थिंक कुछ एरर आ गया, नेम एलएसटी नॉट डिफाइंड, ओके यहाँ पे इक्वल टू मैंने नहीं लगाया है, यही मेरी कुछ यहाँ पे एरर है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वल टू लगाया एंड सिर्फ प्रोग्राम को सेव करते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं नीचे से, जस्ट वेट, अब प्रोग्राम को रन करते हैं। एंड सी, ऊपर वाला हमें ऑड की लिस्ट दे रहा है, नीचे वाला हमें इवन की लिस्ट दे रहा है, ये चीजें समझ में आ गई। तो काफी ज्यादा सिंपल प्रोग्राम था, ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा कुछ बड़ा इसमें कुछ भारी था नहीं कि इसमें ज्यादा प्रॉब्लम हो, बट हाँ उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अब बढ़ते अपने लास्ट प्रोग्राम की तरफ, हम लोगों का लास्ट प्रोग्राम क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द नेम ऑफ वीक इन रिवर्स ऑर्डर। बहुत ईजी है, जो हम लोगों ने यहाँ पे किया था रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट किया था, एग्जैक्टली इसी की तरह प्रिंट करना है, लेकिन यहाँ पे मात्र ज्यादा ज्यादा लाइन का कोड होगा नहीं, बहुत इजी वे में हम लोग इसको प्रिंट करवा लेंगे। हम लोग करेंगे 9.py, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट, हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट बना लेते हैं, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं संडे एंड देन कर लेंगे मंडे, मंडे एंड ट्यूजडे, मंडे ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, आई थिंक कुछ एरर आ गई है क्या, यस एरर तो इधर आ गई है, तो यहाँ पे करेंगे एल एस टी मैंने बनाया था, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे करेंगे, देन थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, दैट्स इट, हो गई संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। मैं इसे क्या करता हूँ रिवर्स करने के लिए, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग को भी जिस तरह से रिवर्स करते हैं एग्जैक्टली उसी तरह हम लोग यहाँ पे स्लाइसिंग करेंगे। हम लोग करेंगे प्रिंट, यहाँ पे करेंगे एल एस टी और यहाँ पे करेंगे जस्ट इस तरह से और करेंगे माइनस वन। हमारा प्रोग्राम बन चुका है एंड करते हैं रन। टोटली ही रिवर्स हो चुकी है, सैटरडे पहले फ्राइडे बाद में थर्सडे उसके बाद वेडनेसडे ट्यूजडे मंडे संडे। अब मैं बताता हूं इसमें आप लोगों को एक प्रोग्राम बनाना है, वो प्रोग्राम मैं बाद में आप लोगों को बना के दिखाऊंगा, अगले वीडियो में हम लोग उसे कंटिन्यू करेंगे। आपको कैसे प्रिंट कराना है, ये तो जस्ट लिस्ट प्रिंट हो गई, ये लिस्ट उल्टी हो गई, ये लिस्ट उल्टी हो गई है। एक्चुअली हुआ है क्या ना, ये प्रोग्राम लिखने में ही यहाँ पे कुछ गलती हो गई थी मेरे से, यहाँ पे होनी चाहिए थी लिस्ट इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ लिस्ट, यहाँ पे एक लिस्ट होती उसे हम लोगों को रिवर्स करना था, प्रोग्राम लिखने में ही हमारी गलती हो गई थी। इसलिए मैं चाहता हूं आप लोग प्रोग्राम बनाओ जिसमें कैसे प्रिंट हो, सैटरडे, जस्ट वेट, सैटरडे प्रिंट हो, देन उसके बाद प्रिंट हो, जस्ट वेट,
सैटरडे, उसके बाद प्रिंट होनी चाहिए, उसके बाद प्रिंट होनी चाहिए फ्राइडे। सॉरी ये फिल्टर आ जा रही है, मैं एक काम करता हूँ कमेंट लाइन कर देता हूँ ऊपर ऊपर से अभी यहाँ नीचे तक में। पहले सैटरडे प्रिंट होनी चाहिए, देन प्रिंट होनी चाहिए फ्राइडे, और देन प्रिंट होनी चाहिए आपके पास थर्सडे। कुछ इस तरह से प्रिंट होनी चाहिए, एक लिस्ट फॉर्म में प्रिंट नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो ना आप लोग? हाँ बताओ, इस तरह से प्रिंट नहीं होनी चाहिए, एग्जैक्टली इसी फॉर्म में प्रिंट होनी चाहिए। सैटरडे, देन उसके नीचे फ्राइडे, देन उसके नीचे थर्सडे। ये प्रोग्राम और एक और प्रोग्राम अभी मैंने बताया स्क्वायर वाला, ये दोनों प्रोग्राम आप लोगों को बना के कमेंट करना है और बताना है आप लोगों को वीडियो कैसे लगे। अगर यहाँ तक देख लिए हो तो ऑब्वियसली बात है लाइक करो, और वीडियो पसंद आई हो तो फिर ऑब्वियसली बात है सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। यार मिलते हैं फिर अगले एक मस्त वीडियो में किसी नए सीरियल के साथ, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।